हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल ड्रीम 11 डॉक्टर में एक बार फिर से। जो मैच हम कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है कल का अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो थर्ड ओडीआई मैच है। जो सेकंड मैच था वो तो रेन की वजह से वॉश आउट हो गया था। थर्ड मैच की बात करने जा रहे हैं, जो मैच है कल है द वॉन्डरर्स जोहान्सबर्ग में। तो इस पिच की पूरी बात करेंगे और पूरे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन सा सकता है आपके लिए वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपको बताया था कौन कौन से मैच हम कवर करेंगे वीडियो में, तो ये तीनों में से देखता हूँ मैं, तीनों में कवर कर नहीं पाऊँगा। दिक्कत ये हो रही है कि टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, तो देखता हूँ मैं कौन सा कवर करता हूँ। ये कर लूँगा, ये बाकी ये वुमेंस के दो मैच वीडियो में डाल दूँगा मैं, और यार थर्ड ये वाला कर रहा हूँ, और इनकी मैं बाकी सबकी टेलीग्राम पे आपको टीम मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना हमारा, अभी बताता हूँ कैसे नाम से कैसे करना है ज्वाइन आपको। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो आपको पता होना चाहिए किसे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आजकल हज़ारों चैनल हैं यूट्यूब पर जिसका आप फॉलो करते होंगे, बट आपको पता नहीं किसे फॉलो कर रहे हो। तो ये मेरी ड्रीम11 प्रोफाइल है, इस पर जब प्रोफाइल पे जब आपको प्रोफाइल पे जब लिंक पर क्लिक करोगे तो ये खुलेगा। इसके बाद आप 52 जाके आप देख सकते हो मेरी वुमन वर्सेज जर्मनी वुमेन में 7 करोड़ लोगों में 31 रैंक चल रही है, और इसमें भी काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। देख सकते हो 52 पोस्ट हमारा, देख सकते हो अब क्या है। ये मेरी वो 52 पोस्ट है जिसमें मेरी 3-4 लास्ट महीने में ग्रैंड लीग की रैंक आई है बिलो 100, और हमने पिछले 2 मंथ में 2 ग्रैंड लीग विन करी है। तो ये 1 तारीख को जो 1 फरवरी को मैच हुआ था वेलिंगटन वाला, उसमें हमने ग्रैंड लीग विन करी, और एक कंसिस्टेंट तो हम विन ही कर ही रहे हैं। और 1 महीने पहले जो हमने ग्रैंड लीग विन की थी वो था अंडर 19 का मैच, तो वो देख लो आप, ये था वो। तो इसको आप देख लेना लिंक वगैरह के थ्रू, और कुछ नहीं है। बाकी आते हैं जो नए सब्सक्राइबर्स उनके लिए होता है, बाकी आते हैं अपने मुद्दे पर। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इसका नाम है ड्रीम11 डॉक्टर, स्क्रीन पे नाम दिखाई भी दे रहा होगा आपको हर जगह, और ऊपर भी लिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो पूरा साथ में एक साथ DREAM11 डॉक्टर एक साथ है सब कुछ। और इस चैनल को ज्वाइन करना, और जिस चैनल को ज्वाइन करा जिसमें 5.8K मतलब 5800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, सिर्फ उसी चैनल को ज्वाइन करना, बाकी कोई और फेक चैनल्स को ड्रीम11 डॉक्टर से ज्वाइन नहीं करना। मेरा चैनल ये है। तो आज हमारा एवरेज थोड़ा दिन रहा, 11 मैच अच्छा गया हमारा, काफ़ी वन साइडेड विन करा इसमें हमने, बाकी मैच एवरेज रहे हमारे। तो यहाँ आपको स्मॉल लीग की बिल्कुल फ्री टीम मिलने वाली है आपको, और कौन कौन सी चीज़ को आपको फॉलो करना है, यहाँ आप बिल्कुल फॉलो करके चलोगे तो अच्छा खासा अपना रिजल्ट देख सकते हो आप। तो बात करें वॉन्डर्स जोहान्सबर्ग की, तो इस बीच में देखा जाए तो एवरेज स्कोर एक तरह से 270-80 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इंग्लैंड बैटिंग करेगी तो एक थोड़ा स्कोर लंबा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम की लाइनअप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और पर फर्स्ट मैच जो न्यू अफ्रीका ने जीता है वो भी एक रिमार्केबल था, तो दोनों ही टीम अच्छा कम्पीट कर सकती है आपस में। बट पर इंग्लैंड के पास ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं, बट वो T20 स्पेशलिस्ट है वनडे के लिए, इतने स्पेशलिस्ट बॉलर हैं जैसे जॉर्डन हो गया, टॉम करन हो गया, वो वनडे स्पेशलिस्ट ज़्यादा नहीं है, वो T20 स्पेशलिस्ट है। उनके पास एक अच्छा बॉलर है क्रिस वोक्स, अभी रिसेंट में तो वो खेल रहा है। बाकी बात करें अफ्रीका से, तो अफ्रीका के बॉलर्स कोई इंपॉर्टेंट खेल नहीं रहे, बड़े बड़े हैंड्रिक्स वगैरह बिल्कुल नए नाम है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंग्लैंड के लिए बैटिंग करना थोड़ा आसान हो सकता है, तो अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है। और कल हमारा अच्छा खासा हमने पिक ली थी बियॉन रिजा हैंड्रिक्स को लिया था, बट वही है ना लक जो 5% ड्रीम इलेवन में मैटर करता है, कल इसी टाइम रेन हुई थी जब ये फॉर्म में आ गया था। तो चलो बात करते हैं कि करके जो बॉलिंग और स्पिनर्स की बात करें, तो बॉलिंग में फास्ट बॉलर को मिल सकता है ज़्यादा विकेट एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। अगर स्पिनर्स को पूरे मैच में 15 विकेट गिरते हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 विकेट पेसर्स को मिलेंगे, तो 5 विकेट स्पिनर्स को, तो ज़्यादा हेल्प नहीं है, ज़्यादा पेसर्स को हेल्प है इस पिच से। और ऐसे देखा भी जाता है अफ्रीका जैसी पिचेस पे। यहाँ बात करें क्विंटन डिकॉक की, तो पिछले मैच थोड़ा जल्दी आउट हो गया था, बट उससे पहले मैच सेंचुरी मारी, प्लस कैप्टन है और काफ़ी अच्छी फॉर्म, टेस्ट मैच में भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में था, जो उनके साथ इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था उसमें भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में था क्विंटन डिकॉक, एक लौता प्लेयर अफ्रीका की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। तो इसको हम कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले स्मॉलिंग में काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है, प्लस विकेट कीपर है तो कैचिंग स्टंपिंग का पॉइंट अच्छा खासा देखा जाएगा। यहाँ बात करें तो जॉनी बेस्ट विकेट कीपिंग करता दिख जाएगा और ओपनिंग करेगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक है स्मॉल लीग में, प्लस आप उसको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत अच्छा ही प्लेयर है ये और एक काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है जॉनी बेस्ट हो, और इसके और जो जेसन रॉय की पार्टनरशिप बहुत हमेशा से एग्रेसिव अच्छी जाती है। और तीसरी बात करें हम तो आते हैं यहाँ पे आते हैं काइल वेरियन को, मेरे ख्याल से मौका मिलेगा नहीं क्योंकि अफ्रीका मैच जीती हुई पहला। तो यहाँ बात करें टॉम बेंटन को, तो टॉम बेंटन की मैं बात करता हूँ, तो टॉम बेंटन का मेरे ख्याल से लगता नहीं इतना अच्छा मौका मिलकर खेल रहा था, बट इसको मेरे ख्याल से वनडे के लिए इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये T20 के लिए ओपनिंग में थोड़ा हिटिंग करके खेलते तो परफेक्ट रहता है। वनडे के हिसाब से मैं इसको अपनी टीम में प्रेफर नहीं करूँगा, और ये बैटिंग भी ऊपर करने नहीं आ रहा, नीचे बैटिंग करने आ रहा, तो ग्राइंडिंग में चाहो तो ट्राई कर सकते हो अगर इसकी टीम में, जब इंग्लैंड में जो बैटिंग फर्स्ट कर रही हो। यहाँ करते हैं हम जेसन रॉय की बात, जो रूट की बात, तो विकेट ने कल भी विकेट ली थी और उससे पहले मैच में विकेट ली थी, तो 2 मैच में 2 विकेट ले चुका है, और तो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है ये,
तो उसको कैप्टन बॉलिंग भी कर रहा है प्लस बैटिंग भी कर रहा है, तो फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रहा है तो हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस बन जाती है जेसन जो है रूट। यहाँ बात करें जेसन रॉय की, जेसन रॉय ओपन करने आ रहा है, उसको हम जरूर लेंगे, चाहे इंग्लैंड पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, ये दोनों ही सिचुएशन में इसकी बैटिंग आने वाली है और अच्छा खासा स्कोर करके देने वाले हैं। मॉर्गन की बात करें तो इंडिया अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो इसको लेना बनता है स्मॉलिंग प्लस ग्रैंडलिंग में, अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करती है तो क्या पता इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर चल जाए तो उसकी बैटिंग ना आए, ये सोच के चल सकते हो। तो इसको जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी तो हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, जैसा कि हम कल करके जा ही रहे थे और अच्छा खासा जा ही रहा था हमारा। यहाँ बात करें रस्सी वेंडरसन की बात करें तो ये अच्छा खासा फॉर्म में लग रहा है प्लेयर, और काफ़ी अच्छी फॉर्म में है ये रस्सी वेंडरसन, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी है इसका अफ्रीका में, और काफ़ी कंसिस्टेंट खेलने वाला प्लेयर भी है, और रुक के खेलता है और हमेशा इनिंग बिल्ड करके खेलता है और लंबा स्कोर बनाने की सोचता है, तो विकेट जल्दी नहीं देता अपनी। इस बंदे को आप ले सकते हो स्मॉल लीग में प्लस ग्राइंडिंग में, दोनों के लिए बहुत अच्छी पिक है। अगर क्रेडिट की दिक्कत नहीं हुई तो मैं इसको जरूर लूँगा। यहाँ बात करें रीता हेंड्रिक्स का, पिछले मैच पहले मैच जल्दी आउट हो गया था, उस कल अच्छी फॉर्म में चल रहा था, 35 नट आउट खेल रहा था, तभी बारिश आ गई और मैच अबेंडेंड हो गया। तो यहाँ बात करें तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पिक बनाया था, रीता हेंड्रिक्स ओपनिंग करने आ रहा है क्विंटन डिकॉक के साथ, काफ़ी अच्छा प्लेयर था, अगर रिकॉर्ड उठा के देखो डोमेस्टिक में और मजानती सुपर लीग में, तो काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर जो है वो रीता हेंड्रिक्स है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है और इसका नाम ज़्यादा है नहीं पर बहुत बढ़िया प्लेयर है। यहाँ बात करें डेविड मिलर की, तो डेविड मिलर आपके ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छी पिक हो सकता है, क्योंकि अभी बिग बैच जो हुआ है, बिग बैच में बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, एक ही मैच में चला था 10 मैचों में, तो फॉर्म में नहीं था, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है जो लास्ट में इसको हिटिंग का मौका मिला तो हिटिंग करके अच्छी खेल सकता है और 20-30 बॉलों पर 50 रन भी मार सकते हैं। यहाँ बात करें टेंपा बबूमा के, फर्स्ट राउंड बैटिंग करना है, पहले मैच में 98 आउट हो गया था, तो एक बहुत अच्छी पिक बनता था आपके लिए टेंपा बबूमा, तो टेंपा बबूमा को अपनी टीम में ज़रूर ले लेना, और काफ़ी अच्छा प्लेयर है, और जब इंडिया आई थी अफ्रीका तो उसने काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप की थी क्विंटन डिकॉक के साथ, तो काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है। और यहाँ बात करें जॉय डेन लेगी तो उसका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे आएगा, थर्ड या फोर्थ डाउन होगा, तो अगर इंग्लैंड की सेकंड बैटिंग होती है तो फिर इसको लेना वेस्ट हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि इसकी बैटिंग अगर ना आए तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, पर ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता है, दो से तीन ओवर डालता है दिख जाएगा, तो अपनी टीम में ले सकते हो ग्रैंड लीग में। पहले मैच में इसने 87 रन का स्कोर किया था अभी सीरीज़ में, तो अपनी टेस्ट मैच में तो कंसिस्टेंट प्लेयर बन चुका है, काफ़ी अच्छा खेलने वाला प्लेयर हो चुका है जॉय डेन ली, तो अपनी टीम में ले सकते हो इसको अपनी ग्रैंड लीग में तो स्पेशल। यहाँ बात करें डेविड मिलर को, मुझे लगता नहीं मौका मिलेगा क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर ही फुल हो रखा है, जेनेमन मिलान को नहीं मिलेगा क्योंकि अफ्रीका का ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनिंग प्लेयर है, और अफ्रीका जीते तो कोई चेंज करना नहीं चाहेगी। यहाँ बात करें हम आते हैं अब क्रिस वोक्स को, मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, क्यों, उसके पीछे एक रीज़न है सबसे बड़ा, क्रिस वोक्स क्या कहते हैं मुझे इंग्लैंड की टीम का भी रिसेंट में जो अभी पूरी टीम है इनकी, इसमें सबसे बढ़िया वाला ये लगता है क्योंकि इसके बाद डेथ ओवर में वेरिएशंस वगैरह बहुत अच्छे खासे हैं, और ऊपर से इसके पास बैटिंग भी कर लेता है, और तीसरी बात ये डेथ में ही बॉलिंग कर लेता है, उसके बाद मतलब हर सिचुएशन में बॉलिंग कर सकता है प्लस बैटिंग कर सकता है, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है हमारे लिए ग्रैंड लीग में, आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। यहाँ बात करें मोइन अली को, मुझे लगता नहीं मौका मिलेगा, अगर मिलता है तो अपनी टीम में खेल सकते हो, क्योंकि ले सकते हो, क्योंकि एक अच्छा खासा स्पिनर है, रिस्ट प्लस स्पिन दो फिंगर्स दोनों से स्पिन अच्छी खासी करता है, और ड्रिफ्ट बॉल डालता है, और उसकी बॉल काफ़ी ड्रिफ्ट होते बंदर की तरफ आती है, और काफ़ी अच्छी बॉल इसके आए हैं, और रिस्ट यूज़ करता है काफ़ी अच्छी है। और यहाँ बात करें एंडिले फेल्ले कोवायो को, तो एंडिले फेल्ले कोवायो क्या कहते हैं मोइन अली फिंगर्स काफ़ी अच्छी यूज़ कर लेता है। यहाँ बात करें हम एंडिले फेल्ले कोवायो की बात करें तो एंडिले फेल्ले कोवायो एक काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, और इसका रिकॉर्ड बताऊँ तो ये अफ्रीका की टीम में भी रिसेंट में सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है, तो यहाँ पे इसने काफ़ी हमेशा से इसने कॉन्ट्रीब्यूट करके दिया अपनी टीम में, जब भी इसकी टीम में इसकी जरूरत पड़ी है इसने हमेशा रन मारे हैं, और प्लस विकेट अपने सात से आठ ओवर या 10 ओवर पूरे डाल सकता है, पूरे दिख सकता है आपको डालते हुए, तो इसको अपनी टीम में ले सकते हो ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग दोनों के लिए ही बहुत अच्छी पिक है एंडिले फेल्ले कोवायो, और काफ़ी अच्छा प्लेयर है एंडिले फेल्ले कोवायो। अब मेरे को लगता है क्रेडिट की दिक्कत आएगी इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ सकता है, तो हम यहाँ पे जैसे स्मूथ्स के साथ क्यों जा रहे हैं कि जैसे स्मूथ्स फेल्ले कोवायो से ऊपर बैटिंग करने आएगा, प्लस इसने पहले मैच में 10 ओवर भी डाली है, अगर आपने अफ्रीका का डोमेस्टिक फॉलो करा होगा तो एक बड़ा नाम है जे स्मूथ्स, और ये हमारा हमेशा कैप्टन होता था डोमेस्टिक में, आपको पता भी हो, तो ये बहुत अच्छा प्लेयर है, बॉलिंग को अपने पूरे ओवर डाल रहा है, और फेल्ले कोवायो ऊपर बैटिंग करना रहा तो हमारे लिए सबसे बढ़िया बात होनी, इसकी क्रेडिट भी कम है तो इसकी वजह से हम ले सकते हैं, और लास्ट मैच उसने एक विकेट भी ली थी। यहाँ बात करें हम स्पिनर है वो जे स्मूथ्स लेफ्ट आर्म, यहाँ बात करें हम देखो दिखा ही देता हूँ लिखा ही होगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं
लुंगी एंगड़ी को लास्ट मैच नहीं खेला था मौका, पहले मैच में मिला था मौका पर उसने विकेट नहीं ली थी। ब्यूरन हेंड्रिक्स को हम ले सकते हैं, क्या बात करूँ मैं, आप ले सकते हैं क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगा, उसके काफ़ी अच्छे वेरिएशन है। और इसने भी जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच की सीरीज थी उसमें डेब्यू में ही 5 विकेट ली थी, इसके बाद अच्छा बैक टू द हैंड काफ़ी अच्छी बॉल डालता है ये ब्यूरन हेंड्रिक्स, डेथ वगैरह में विकेट ला के दे सकता है। यहाँ बात करें तबरेज़ शमशी की, बात करें तबरेज़ शमशी को अपनी टीम में जरूर लूँगा क्योंकि इसने पहले ही मैच 3 विकेट निकाले थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक होता है आपके लिए, आपके अपोनेंट के हर टीम में दिख जाएगा ये। यहाँ बात करें राशिद को पिक, कल भी मौका नहीं मिला ना परसों मौका मिला। और यहाँ बात करें जॉर्डन की, जॉर्डन को अपने साथ लेके जाऊंगा क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग की दोनों से परफॉर्मेंस करके जाएगा और काफ़ी अच्छे प्लेयर है ये दोनों, मेरे लिए बहुत अच्छे पिक है क्योंकि 10 ओवर तक डालते देख सकते हैं दोनों और प्लस बैटिंग दोनों ही अच्छी खासी करना जानते हैं। यहाँ बात करें आप बात करें मंगाला को, तो मुझे लगता नहीं मौका मिलेगा क्योंकि कल ये मैच यहाँ होता पर ये डोमेस्टिक खेल रहा था वहाँ, तो मेरे ख्याल से इसको मौका मिलेगा नहीं, इसलिए वहाँ डोमेस्टिक खिलाड़ी से बेज ऑन फॉर्च्यून को ले सकते हो टीम में। कल शायद इसको मौका मिला था, हाँ कल ये खेला था बट पूरा मैच नहीं हुआ। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये भी देखा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और ये काफ़ी अच्छा बैटिंग भी कर लेता है। यहाँ बताऊँ लुथो सिपामला की तो डेथ में वगैरह बॉलिंग लेके विकेट दे सकता है आपको डेथ में। और यहाँ बात करें मतलब ये विकेट टेकर बॉलर है, लुथो सिपामला पिटेगा तो बहुत गंदा पिटेगा, 10 ओवर में 50-100 रन भी खा सकता है और 3-4 विकेट भी ले सकता है, ऐसा बॉलर है द ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बात करें साकी महमूद की, इंग्लैंड के डोमेस्टिक में ये दोनों साकी महमूद और मैथ्यू पर्किंसन का बहुत नाम है। साकी महमूद का फास्ट बॉल डालता है, उसका विकेट ने बहुत बंडल्स में विकेट ले रखे हैं इंग्लैंड के डोमेस्टिक में, और उसका एक्शन थोड़ा स्लिंग टाइम मतलब एक्शन थोड़ा ऐसा लिफ्टी बॉल फेंकता है तो लहरती भी जाती है, इसको कभी बार खेलना मुश्किल होता है अगर एयर वगैरह ज़्यादा चल रही, हवा वगैरह विंड हो, अफ्रीका जैसी जगह पे होती भी है तो एक थोड़ा लीथल बॉलर बन सकता है ग्रैंड लीग में आपके लिए। यहाँ बात करें मैथ्यू पर्किंसन की, मैथ्यू पर्किंसन एक लेग स्पिनर, और आपने अगर T20 ब्लास्ट इंग्लैंड वाला फॉलो करा हो तो काफ़ी अच्छा बॉलर है, उसने काफ़ी अच्छे विकेट्स लिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे पॉइंट देके जा सकता है, वो लेग स्पिनर है। और अगर आपने T20 ब्लास्ट में देखा हो तो हर मैच में 2 से 3 विकेट लेके जाता ही था ये बंदा, कल खेल भी रहा था तो अपनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में टीमें ट्राई कर सकते हैं। तो टेम्परेरी टीम हमारी फिलहाल योग्य, हमारे एनजी वैसी बंदा दसन या मिस हो रहा है तो उसको चाहो तो उसको ले सकते हो, ये हमने पूरा इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर उठा लिया है, इंग्लैंड की 3 बॉलर ले लिया है, यहाँ से हमने इसका पूरा टॉप ऑर्डर उठा लिया है, यहाँ से ये 2 बॉलर हो गए हैं, तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा विकेट इंग्लैंड देगी क्योंकि इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। इन तीनों के बाद आएगा इवन मॉर्गन, फिर आता जॉर्डन ली, तो ऐसा बन जाता है फिर टॉम बैंटम, तो अगर टॉप इनका टॉप टॉर चल गया तो फिर इनके बॉलर देने का फायदा नहीं है, थोड़ा ऐसा लॉजिक है टीम बनानी पड़ती है, पर क्रेडिट की दिक्कत आएगी क्योंकि बड़े नाम है तो क्रेडिट की दिक्कत एक आधे प्लेयर को मिस करना ही पड़ेगा। तो हमारे टेम्परेरी कैप्टन मैं चाहूँगा क्विंटन डिकॉक के साथ, और यहाँ पे चाहूँगा मैं वाइस कैप्टन इसके साथ, यहाँ उल्टा कर सकते हो आप, ये ओवर्स भी डाल रहे तो ऐसा कर सकते हो, बट मैं भी जा रहा हूँ ऐसे। तो फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम पर फॉलो करो, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से विन कर सकते हो, और काफ़ी लोगों के अच्छे खासे विन कर भी रहे हैं, मैसेजेस करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, 100 में से कम 90 लोग तो विन कर ही रहे हैं, 10 लोग को अपोनेंट थोड़ा टफ मिल जाता होगा, वो 100% तो कोई नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि भाई फैंटेसी है, अब कोई ना कोई तो आपका अपोनेंट तगड़ा होगा क्योंकि मेरी बेस्ट टीम नहीं बनती पूरे वर्ल्ड में, आप कोई ना कोई अपोनेंट क्या पता मैं से अच्छी टीम बनाता हो, 100 में से 90 लोग तो जीत ही रहे हैं, बाकी अपोनेंट मिले तो बाकी बात अलग है, ये फैंटेसी है कोई कुछ नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और फॉलो करना मेरे चैनल को 5.8K जो है टेलीग्राम पे वो जाके, और सही से फॉलो करो तभी ही जीतोगे। और बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जय हिंद। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं वीडियो में डाल खत्म होने से पहले कि यहाँ पे अब ग्रैंड लीग में इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ये 4 ऑप्शन, और ग्रैंड लीग में इसे एक यहाँ ऐसा कर सकते हो, और तीनों ही बहुत टॉप ऑर्डर के ग्रैंड लीग के बहुत बेस्ट पिक हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो का, जय हिंद।